जन्म दर बढ़ाने और उचित देखभाल के प्रति सचेत किया। बैठक के दौरान भ्रूण हत्या पर कानून के तहत मिलने वाले सजा के प्रावधानों की भी इन्हें जानकारी दी गई। मानसी प्रखंड के सारे पंचायत में, हर पंचायत के हर वार्ड में 9 दंपतियों के साथ एक वार्ड लेवल बैठक हम लोग आयोजित कर रहे हैं और जो चल रहा है उसमें, उस बैठक में 9 दंपतियों को या दंपति को ये बताया जाता है कि भाई लड़की के महत्व को समझिए, लड़की बड़ा अनमोल है और अगर आप भ्रूण जांच करवाते हैं तो वो कानूनी अपराध है, और भ्रूण जांच करवा के अगर लड़कियों की हत्या करवाते हैं तो उसमें भी आप दोषी हैं। इन सारी चीज़ों को उन कम्युनिटी स्तर पे वार्ड मीटिंग में दंपतियों को बताया जा रहा है। बैठक में शामिल अनेक दंपतियों ने बच्चियों के जन्म और उनके उचित देखभाल के प्रति की जा रही लापरवाही के कारणों पर प्रकाश डाला, जिनके मूल में छिपा था क्षेत्र की मौजूदा गरीबी और ऊंचे दहेज की मांग। गर्भ में जो होते हैं ना, वैसे ही उसको खराब करवा देते हैं, इस करके लड़कियों की संख्या घट रही है। लड़कों को जन्म देते हैं उसका खान पान ठीक से करते हैं, लड़कियों को नहीं करते हैं। लड़कियों को तिलक देना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है। कोई सोचता है मैं क्यों पढ़ाऊँ लड़की को, ये तो दूसरे घर की है, ये तो खाना ही बनाएगी और तो कुछ करेगी नहीं, कुछ काम तो इससे तो होगा ही नहीं, उस करके लड़कियों को संख्या घट कर दी। संसर्ग द्वारा दंपतियों को जागरूक करने की योजना काफी कारगर साबित हुई। नवविवाहित जोड़े अब बालिकाओं के जन्म और उनकी देखभाल के प्रति न सिर्फ सजग हो चुके हैं, बल्कि उनके जोड़ों ने इस बात का फैसला भी कर लिया कि बेटा हो या बेटी, दोनों की परवरिश समान रूप से करेंगे। लड़की पात के लिए समझा रहे हैं कि लड़की को जन्म होते ही मार देते हैं, क्यों मार देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, लड़का के नाम पे क्यों इतना होते हैं उछल, लड़की नाम पे क्यों इतना होते हैं, ये सब समझा रहे लेकिन समझ रहे हैं। जे बोल रखिन ना वो सब कुछ दिमाग में अले हमरो सबका, मगर की कहे छे कि यार सब पर मुखिया जी सरपंच साहब रोक लगेलखिन, आदमी तो करबे करे रहे, जरूर करे रहे चढ़ाए का, तो वार्डे वार्ड जाकर सब आदमी बोललखिन कि एहन नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की के दोनों के मान समान एक रंग हो रहल छे, या जीव हत्या नहीं करे के छे, तो आदमी सब समझ गेले, अकेले आ गेले, एहि लए कऽ से सही ग्रुप से चलै छे। और अल्ट्रासाउंड कराबे तो जेबे करे छे, मन भी तो अंदर बच्चा ठीक है आ नहीं है, इ खातिर तो 3 अल्ट्रासाउंड होना जरूरी छे। प्रखंड में कन्या जन्म दर में विकास लाने के लिए नुक्कड़ नाटकों की भी मदद ली गई। प्रखंड के 7 पंचायतों में से प्रत्येक में जन प्रतिनिधि की राय से 3-3 स्थानों पर इसका मंचन किया गया, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देखकर बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल के प्रति सजग हो सके। ज्योति नामक इस लघु नाटिका के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया, बेटियां किसी भी सूरत में लड़कों से कम नहीं हैं। इन्हीं में से कोई इंदिरा गांधी और सरोजनी नायडू बनती हैं, तो कोई पीटी उषा और किरण बेदी। पंचायत स्तर पे गांव-गांव जो नुक्कड़ नाटक के कलाकार जो अपना परफॉर्म कर रहे थे, तो चूंकि ज्योति जो नाटक है बड़ा इमोशनल नाटक है और सामने वाले बड़ा उससे, दर्शक में ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो बड़ा इमोशनल हो जाती हैं, और नाटक के अंत तक जो ये मैसेज एक चाहता है कि हम लड़की हैं और हम भी किसी से कम नहीं है और हमें भी जीने का अधिकार है, और अगर आप हमारे साथ अन्याय करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से समाज के साथ और कानून का भी उल्लंघन करते हैं, और शायद ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो इसका बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है कम्युनिटी पर, और इस मैसेज को बड़ा ही सुंदर तरीके से लोग रिसीव करते हैं, और उसके बाद लोगों की जब प्रतिक्रिया हम लोग जानते हैं तो ये बिल्कुल कहते हैं कि नंबर एक कि हम लड़कियों को कभी भी गर्भ में मारेंगे नहीं, अगर वो पैदा होंगी तो उनको बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको स्कूल में पढ़ाएंगे और
उनको इतना पढ़ा देंगे, उनको इतना सबल बना देंगे कि उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको दहेज भी हमको देना नहीं पड़ेगा। और कम्युनिटी अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। जन प्रतिनिधियों और आम आवाम को अपराजिता नामक एक दिल को छू लेने वाली फिल्म दिखाकर उनके अंतर्मन में मासूम बच्चियों के प्रति ममता जगाने का प्रयास किया गया और यह विधि काफी कारगर साबित हुई। जो बात तुमने महसूस की है, इस घर के आदमी लोग क्यों नहीं महसूस करते? भाभी आप घुमा फिरा कर बात मत करिए, साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? तुमने सही कहा, इस घर में एक की मौत हो गई। भाभी वो मौत हुई है मेरी बेटी की अरमानों की, उसकी ख्वाहिशों की। परी को भैया ने कुछ कहा? तुम्हारे भैया और पाजी है तो मर थी ना। आप कितना ही कहिए कि एक औरत सिर्फ आटा गूंदने के लायक है, लेकिन आपका इलाज तो एक औरत ने किया। या उसी ने आपकी जान बचाई, उसे मिलकर आप उसका शुक्रिया तो कर दीजिए। भाई तुम कहते हो तो शुक्रिया कर देते हैं, बुलाओ उसे। वो आ रही है। पलटी है सीने में कुछ कर दिखाने की धूम, जीवन के सारे अधिकार पाने की धूम। तमाम प्रतिनिधियों ने मासूम बच्चियों की रक्षा के लिए प्रखंड में युद्ध स्तर पर अलग जगाने का फैसला लिया। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल कर कई क्षेत्र में लड़कों से बाजी मार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। फिर क्यों यह भेदभाव और बेटियों के प्रति कैसी उदासीनता? आइए हम सब मिलकर भ्रूण हत्या बंद कर बेटियों की सुरक्षा करें, पढ़ाएं लिखाएं और इन्हें आगे बढ़ाएं।